दोस्तों अभी कुछ ही सालों पहले की बात है जब साउथ इंडस्ट्रीज की फिल्में बॉलीवुड के फिल्मों के सामने नहीं चलती थी, लेकिन एक ऐसी मूवी आई जिसने बॉलीवुड की फिल्मों की पहचान साउथ इंडस्ट्रीज की फिल्मों के सामने बहुत ही छोटी कर दी थी। एक तरफ से बोले तो बॉलीवुड के एक्टरों और सुपरस्टारों को अपना करियर खत्म होने का डर लग रहा था यहाँ दोस्तों, और वो मूवी है बाहुबली। फिर साउथ की अलग अलग मूवीज आती रही और अपना रिकॉर्ड बनाती रही, बॉलीवुड और साउथ की टक्कर लगातार होती रही, और फिर नतीजा ये निकला कि जनता को बॉलीवुड की फिल्मों की जगह साउथ की फिल्में अच्छी लगने लगी। तभी बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान मैदान में आए और उनका सामना था केजीएफ के सामने। दोस्तों केजीएफ यूनिवर्स मूवी का सिर्फ 3 शब्दों का यह नाम इतना छोटा सा था, लेकिन इसका धमाका इतना बड़ा हुआ कि बादशाह को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान रॉकी द मॉन्स्टर के सामने कमजोर साबित हुए थे और केजीएफ मूवी ने अपनी सक्सेस में 4 चांद लगाए थे। फिर वहीं से शाहरुख खान ने अपनी जंग की तैयारी शुरू की और पठान प्लस जवान मूवी की सक्सेस की कहानी लिखी। जब जवान मूवी रिलीज होने वाली थी तभी जवान के सामने सलार की टक्कर होने वाली थी, लेकिन दोस्तों सलार की टीम ने सलार को अचानक से ही पोस्टपोन कर दिया और जवान को चलने दिया। लोगों का कहना है कि जवान के लगातार चलने की वजह से सलार पोस्टपोन हुई है, जब कुछ लोगों का कहना ये है कि सलार मूवी के सामने जवान मूवी टिक ही नहीं सकती थी, लेकिन कोई अंदरूनी प्रॉब्लम की वजह से सलार को पोस्टपोन किया था। और जिस चेहरे के कारण सलार की सक्सेस में 4 चांद लगने वाले हैं वो है रॉकी भाई का चेहरा। उनकी पूरी दुनिया दीवानी है, उनकी फिल्में हॉलीवुड को भी टक्कर देती है। अब ऐसी बात चलने के कारण डायरेक्टर प्रशांत नील ने सलार मूवी को 2024 में रिलीज करने के फैसले को बदलकर फिर से नई अपडेट दी है कि सलार को 2023 में ही रिलीज किया जाएगा और समय भी वही चुना है जो शाहरुख खान को बिल्कुल टक्कर देने का है। जब शाहरुख खान की मूवी की रिलीज होगी तभी उसी के सामने उसी समय पर सलार भी उनके सामने ही रिलीज होगी। डंकी मूवी एक फैमिली ऑडियंस के लिए है और सलार एक केजीएफ फ्रेंचाइज का हिस्सा है। जब जनता किस मूवी को सपोर्ट करेगी ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि किसने बाजी मारी है, वो तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप अभी फैसला कर सकते हो, कॉमेंट करो कि कौन सी मूवी हिट होगी और कौन सी मूवी पिटेगी। अब सब्सक्राइब भी कर देना।